विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच होता है दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा? जब प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो लेस देन होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से, ठीक है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कब होते हैं? जब रिएक्टेंट की एनर्जी ग्रेटर होती है प्रोडक्ट की एनर्जी से। तो इन ग्राफ में हम फर्स्ट वाला ग्राफ देखें अगर, तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है, बिल्कुल इस केस में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो फर्स्ट तो एक्सो है, बिल्कुल सही। सेकेंड वाले में देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है, यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो यानी ये रिएक्शन तो कौन सी हो गई हमारी? एंडोथर्मिक। यहाँ पे तो दोनों का एनर्जी ही बराबर है, इस केस में तो डेल्टा एच भी क्या है? जीरो है। तो एक्सोथर्मिक कौन से केस में है? सिर्फ फर्स्ट में, दैट मीन्स ओनली वन। ओके,